हेलो फ्रेंड्स, आराधिता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम लोग हैं माजेरहाट रेलवे स्टेशन पर, तो अभी हम लोग जाएंगे घर। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं शोधपुर में रहती हूँ। तो चलिए यहाँ की ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और बहुत ही डरावनी चीज़ आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कहते हैं माजेरहाट स्टेशन में एक बेनी एंट्री है और वहाँ पर भूत है। तो चलिए टोटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले हम चलते हैं अंदर टिकट लेने के लिए। तो आइए दिखाते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम और बेटी आ गए हैं और हस्बैंड गए हैं टिकट लेने के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। आप लोग देख सकते हो पीछे हस्बैंड खड़ा हुआ है और मुझे इतना नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखिए टिकट ओनली 10 रुपीज़। तो हम लोग तीन हैं तो 30 रुपीज़ लिया। तो चलिए अभी हम जाएंगे बेनी एंट्री दिखाने, जहाँ पर भूत रहता है। तो बहुत अच्छे से देखिए, बहुत पुराना बेनी एंट्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेड़ है बहुत ही पुराना है, आप लोगों को देखने से ही डर लग जाता है, और मैं क्या बताओ आप लोगों को। चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सच में भूत वाला ही सीन जैसा टीवी पर दिखाता है ना, पुराना टाइप का, पूरा बिल्कुल वैसा ही है। मगर पता नहीं है कैमरे पर भूत कैच होगा क्या नहीं, मगर कोशिश तो कर रही हूँ। जैसा कि मैं टोटली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मगर एक कहावत तो है ही ना, सन्नाटे पर रात के टाइम सन्नाटा होता है, जब कोई नहीं रहता है तभी भूत आता है। तो अभी तो हम भूत तो नहीं देख पा रहे हैं, तो चलिए अभी ट्रेन पकड़ने चलते हैं, शायद वहाँ पर दिख जाए भूत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। देखिए ओवरब्रिज से जा रहे हैं, मैं और बेटी पीछे पीछे और हस्बैंड सामने हैं। तो चलिए टोटली शेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्टेशन को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे हॉन्टेड है। चारों तरफ कैमरे को घुमा रहे हैं, देखिए पूरा हॉन्टेड है। स्टेशन को देखकर हॉन्टेड तो लग रहा है, मगर भूत का तो नामो निशान तक नहीं है फ्रेंड्स, क्या बताएं आप लोगों को। तो अभी हम माँ बेटी यहाँ पर घूम रहे हैं और हस्बैंड पीछे है। एक्चुअली मैं तो यहाँ पर ब्लॉग बना रही हूँ, तो हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते ही हो स्टेशन पर ब्लॉग बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, बनाते नहीं हैं, कोई कोई तो बनाता ही है, मगर हस्बैंड मुझे डांट रहे हैं। तो सामने मैं बेटी को लेकर यहाँ पर आ गई हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के अगर सामने होती तो ब्लॉग वो बनाने नहीं देता इस वजह से। अभी ट्रेन पर सवारी करेंगे और कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कुकीज़, क्रीम रोल एंड लड्डू। चलिए लड्डू भी दिखाते हैं। तो मुझे कुकीज़ बहुत पसंद है और लड्डू, ठीक है, और इसी के साथ कुरकुरे भी लिया है। तो ट्रेन पर बैठेंगे और मज़े से खाएंगे। अभी भी चल रहा है क्योंकि ट्रेन आने में बहुत ही लेट है, और हस्बैंड ने बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को ला के रख दिया है। अभी स्टेशन के अंदर हम लोग भूत की तरह चल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही टाइम लगेगा और बहुत ही बोर फील कर रहे हैं। और क्या, देखिए दोनों का हालत बहुत ही खराब है, कब घर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेशन पर भूत आ गया है। अभी हम लोग भूत के सामने हैं। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ये कोई भूत नहीं है, मैंने यहाँ पर एडिट किया है। भूत का तो नामो निशान तक नहीं है, मगर सन्नाटा बहुत ज्यादा है। तो चलिए ट्रेन आ गई है और हम लोग भी चढ़ जाते हैं ट्रेन पर और वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसी बीच माँ बेटी हम दोनों एक सेल्फी ले लिया है, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन लगभग खाली है, पैसेंजर बहुत कम है, और हम लोगों को सीट भी मिल गई है और हम लोग बैठे हैं, और यहाँ पर बादाम सेल हो रही है। तो चलिए बादाम भी खरीदते हैं, सब खाएंगे। अभी आप लोग देखिए जोश, देखिए इस लड़के का जोश, देखिए एज कितना कम है, जोश के मारे ये क्या कर रहा है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये करना बिल्कुल भी गलत है, इससे एक्सीडेंट हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ब्लॉग को एंड कर देते हैं, अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।